एसआई न्यूज, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कांग्रेस पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं एवं पुराने कांग्रेसजनों, इंदौर प्रदेश राज्य विकास केंद्र के प्रदेश अध्यक्ष एवं इंदौर पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए जमीनी नेता एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं घर बैठे पुराने कांग्रेसजनों से, सभी के साथ ही नाराज कांग्रेसजनों को कांग्रेस पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए एवं प्रोत्साहन के लिए आज आत्मसम्मान की शुरुआत इंदौर से की गई और नाराज चल रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री मुकेश झांझोट के निवास घनश्याम दास नगर पहुंचे और उनसे चर्चा की। श्री झांझोट ने चर्चा में बताया कि वे सांवेर विधानसभा उपचुनाव में विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा टिकट देने का आश्वासन नहीं दिए जाने से नाराज हैं और पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा की बात कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेसजनों ने उन्हें समझाइश दी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी से मोबाइल पर उनकी बात कराने का प्रयास किया गया, किंतु श्री कमलनाथ जी से मोबाइल पर संपर्क नहीं हो पाया। श्री झांझोट को कांग्रेसजनों ने समझाइश दी और भोपाल चलकर चर्चा करने का आश्वासन दिया गया और कहा कि कांग्रेस ने आपके भाई वीरू झांझोट को पिछले नगर निगम चुनाव में पार्टी ने पार्षद का टिकट दिया था। श्री मुकेश झांझोट वाल्मीकि समाज में के बड़े नेता हैं और इंदौर ही नहीं पूरे प्रदेश में उनकी समाज में पकड़ है। इसके अलावा कई कांग्रेसजनों के निवास पर भी कांग्रेसजन पहुंचे और भाजपा के खिलाफ मैदानी लड़ाई लड़ने का आग्रह किया। यादव ने कहा है कि भाजपा के 15 वर्ष के शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाले जो कांग्रेसजन जेल गए, मुकदमे लगवाए, ऐसे कांग्रेसजनों से भी घर घर जाकर मुलाकात करे, साथ ही किसी कारणवश किसी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता की अगर नाराजगी या शिकायत हो तो प्रदेश के एवं शहर जिले के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करवा कर नाराजगी व शिकायत दूर करने में अपना सक्रिय योगदान दे। साथ ही नए युवाओं और आम आदमी को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का अभियान भी सक्रिय रूप से चलाएं। सभी शहर जिला अध्यक्षों एवं प्रदेश पदाधिकारियों एवं अन्य पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में हम और राज्य विकास केंद्र द्वारा, कांग्रेस जनों द्वारा, वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में आज हमने इंदौर के जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी नेता, 15 वर्ष भाजपा के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ ही जो पार्टी से किसी वक्त नाराज चल रहे हैं, ऐसे कांग्रेस जनों से हमने मिलने की मुलाकात करने का अभियान की शुरुआत आज हमने बाबू घनश्याम दास नगर से प्रदेश कांग्रेस के महासचिव श्री मुकेश झंझोट जी के निवास पर जाकर की, इसकी शुरू अभियान की शुरुआत की और कई मुद्दों पर हमने उनसे चर्चा की कि हम सब मिलजुल कर एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। आप वाल्मीकि समाज के बड़े नेता हैं और आपकी समाज में पकड़ है। हम एकजुट होकर कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करें और जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें हम अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। यह अभियान हम पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र द्वारा शहर, जिला इकाई, प्रदेश पदाधिकारियों और के साथ ही अन्य पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जमीनी कार्यकर्ताओं, नेताओं और पुराने घर बैठे कांग्रेस जनों के घर जाएं और कांग्रेस की मजबूती के लिए, उनकी सक्रिय भूमिका के लिए मैदानी संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चलाने का अभियान चलाएं। और 1.5 वर्ष जो कमलनाथ जी की सरकार ने जनता के हित में काम किए हैं, उन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं और ये अभियान पूरे प्रदेश में लगातार चलेगा। हम हर गली, मोहल्ले, ब्लॉक, वार्ड स्तर पर जो इस अभियान को चलाएंगे और प्रत्येक कांग्रेस जनों से हम मिलने का प्रयास करेंगे। मैं देवेंद्र सिंह यादव, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र प्रदेश अध्यक्ष। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलिए।